प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सपा गठबंधन के नाराज साथियों को भाजपा के साथ जोड़ने की पहल कर रहे हैं। बीते दिनों मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ डिंपल यादव, अखिलेश यादव, प्रतीक यादव समेत पूरे परिवार का सबसे मजबूत सहारा बने हुए नजर आए। मुलायम सिंह यादव के घर जाकर योगी आदित्यनाथ ने उनका दुख बांटा और यहाँ उन तमाम दावों से हटकर योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल को फ़ोन किया है। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ चाहते हैं अपना दल की तरफ से पल्लवी पटेल समर्थन दे दें, किसी और को नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू को। सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल बीते दिनों स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही थी, जिसके बाद पल्लवी पटेल अस्पताल में भर्ती हुई। अस्पताल से बाहर पल्लवी पटेल अब राजनीति में सक्रिय हुई हैं। सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है उसके आधार पर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल को फ़ोन किया है, पल्लवी पटेल का हालचाल जाना है। पल्लवी पटेल को उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में सीधे सीधे द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है, अगर पल्लवी पटेल समर्थन दे देती हैं द्रौपदी मुर्मू को तो इससे एक अच्छा संकेत जनता के भीतर जाएगा। आपको बता दें, सपा गठबंधन के साथी ओपी राजभर पहले ही योगी आदित्यनाथ की बात मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिए जाने का ऐलान कर चुके हैं और यहाँ पल्लवी पटेल ने फिलहाल योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।